नमस्कार, आपका स्वागत है गरम मुद्दा विद हर्षवर्धन के इस शो में। आज का मुद्दा कुछ और है। कश्मीर, वो कश्मीर जिसे हम धरती का स्वर्ग कहते हैं, मगर आज कुछ दिनों से वो स्वर्ग में निर्मम हत्याएं हो रही है। हिंदू पंडितों की हत्याएं फिर से बढ़ गई है, जो 1990 से 91 के दशक में रुक सी गई थी। ऐसी क्या हुई फिर से वहां जो हत्याएं बढ़ने लगी? क्या फिर से राजनीतिक मुद्दों को उछालने और धर्म को राजनीति में फिर से लाने के लिए एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है कश्मीर में? क्या यही मुद्दा है? क्या यही वजह है जो आज उस कश्मीर की धरती फिर से लाल हो रही है अपने ही रहने वालों के खून से, और सरकार कुछ नहीं कर रही है, हाथ पे हाथ धरी हुई है। उन्हें बस दो काम करना है, मंदिर और मस्जिद पे विवाद खड़ा करना है और कश्मीर फाइल मूवी को प्रमोट करना है। क्या कश्मीर फाइल मूवी के प्रमोट करने से कश्मीरी पंडितों को इंसाफ मिल जाएगा? क्या कश्मीर फाइल मूवी बनाने से विवेक अग्निहोत्री ने जो मूवी बनाई उससे क्या कश्मीरी पंडित को इंसाफ मिलेगा, या विवेक अग्निहोत्री और अनुपम खेर जैसे अभिनेता के बैंक बैलेंस बढ़ेंगे? क्या उन्होंने उस पैसों को कश्मीरी पंडित के फंड में डाला? नहीं, मगर उन्होंने एक फूटी आंसू रोने के लिए, एक मगरमच्छ की आंसू रुलाने के लिए सामने मीडिया के सामने आ जाते हैं। क्या इसी से निर्मम हत्याएं रुकेगी? लोग पलायन कर रहे हैं, लोग कश्मीर से पलायन करके अगर भारत के किसी और राज्य में आते हैं तो उन्हें हेय दृष्टि से देखा जा रहा है। ऐसा क्यों? क्या सरकार इसी के लिए बनी थी जो हम मंदिर मस्जिद का विवाद करेंगे, मूवी को प्रमोट करेंगे, मूवी को टैक्स फ्री करेंगे, मगर जो मुद्दा है उस मुद्दे पर हम बात नहीं करेंगे? बात तब करेंगे जब उससे हमें फायदा है। जो आगामी चुनाव में उस मुद्दे से अगर हमें फायदा होगा तो हम बात करेंगे, नहीं तो हम बात नहीं करेंगे। अगर अभी अभी कोई आगामी चुनाव आए तो कश्मीरी पंडितों की इस निर्मम हत्या की निंदा शुरू हो जाएगी, सरकार हो या विपक्ष। अगर सरकार कुछ नहीं कर रही है तो क्या विपक्ष के पास इतना साधन नहीं है जो वो कश्मीरी पंडित को इंसाफ दिला सके, या वो सरकार पे जोर डाल के इस बात को लागू करवाए कि वो कश्मीरी पंडित को इंसाफ दिलाए? क्या इसी के लिए हमने सरकार को चुना? क्या सरकार के पास भी साधन नहीं है जो वो कश्मीरी पंडित को इंसाफ दिला सके? आज हर इंसान रो रहा है। कोई जाता अपने घर से सब्जी लाने, लौट के आता देखता उसका पिताजी मृत पाया गया है, कोई मार के चला गया। ऐसी हालत हो चुकी है कश्मीर में, वहां की मिट्टी अब लाल होने लगी है, रूह कांपते हैं। आपने 370 हटाया जो भारत के कोई भी लोग वहां जाके रहेंगे, जब वहां के खुद रहने वाले लोग सुरक्षित नहीं है तो भारत के दूसरे कोने के लोग कैसे सुरक्षित होंगे? इसका जवाब है आपके पास? जवाब मतलब सरकार, आपके पास इसका जवाब है जो आप कैसे लोगों को वहां सुरक्षित करेंगे? मैं हर्षवर्धन आप सबों से गुजारिश करता हूं कि अपनी अपनी राय हमें बताएं और हम सरकार को जागरूक कर सके, उनकी नींद खोल सके जो उन्हें क्या काम करने की जरूरत है। मैं अब आप सबों से अलविदा लेता हूं। नमस्कार, शुक्रिया, आदाब।